गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12:07:03 का वक्त हुआ है। माई सेल्फ अभिनय, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अभिनय मैस पे मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रोम्बस। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हो पा रहा है? इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी पुअर। आई एम लाइव? नो शिट, कंटिन्यू करें? देख पा रहे हैं बच्चे? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोम्बस, आप हेडिंग लगा लीजिए रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर जब मैंने पढ़ाया था, तो जब मैं स्क्वायर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है जिसमें एल बराबर बी होता है। ऐसे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एल बराबर बी है। अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी, तो इसकी सारी भुजाएँ बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हैं, आमने सामने के एंगल बराबर हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। क्योंकि ए डी और बी सी पैरेलल हैं और ए बी और सी डी पैरेलल हैं, इसका मतलब है सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल ए, सब 180 के बराबर होते हैं। अगर हम डायगोनल की बात करें, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? सब सही चल रहा है? अगर हम डायगोनल की बात करें तो आप देखेंगे डायगोनल इसके इक्वल नहीं होंगे। ए सी नॉट इक्व टू बी डी, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल बराबर नहीं होते लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ कि बाइसेक्ट का मतलब बस इतना सा है कि ओ मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ जो है वो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। 90 डिग्री पर काटने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? इतनी सी बात समझ के, क्योंकि ये और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल डायगोनल्स आएगा। अगर डायगोनल आएगा तो बाइसेक्ट्स आएगा, ठीक है? डायगोनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, यानी कि अल्फा अल्फा, ये जो अल्फा अल्फा है ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़े, अगर इसके एरिया की या पेरीमीटर की बात करें तो आप देखेंगे कि पेरीमीटर होगा 4a। सिर्फ पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर बराबर 4a होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ से हाइट डाल देता हूँ, ये हाइट, तो जैसा कि हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, इसका एरिया होगा एरिया बराबर a इंटू एच, बेस इंटू हाइट होगा। और एरिया हम इसका किस तरीके से निकाल सकते हैं? जैसे आपको मालूम है कि हम हर एक क्वाड्रिलेटरल में एरिया निकालने का जो हमें फॉर्मूला पता है वो होता है हाफ डी वन डी टू साइन थीटा। थीटा आपको पता है क्या होता है? डायगोनल के बीच का एंगल होता है, जो कि यहाँ पे 90 है और साइन 90 वन होता है। तो एरिया कितना आ जाएगा? हाफ डी वन डी टू। किसी भी रोम्बस का एरिया जो है वो हाफ डी वन डी टू से निकाला जा सकता है, यानी कि अगर मुझे दोनों डायगोनल पता है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। और तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मुझे ये एंगल पता है थीटा, तो ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटू ए बी डी, और ए बी डी का एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू ए, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, और इसके बीच का एंगल साइन थीटा। कहने का मतलब है ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर कभी हमें ये दिया रहता है कि रोम्बस का एक एंगल 60 डिग्री है, इतनी सी बात दे दी और साइड दे दी और फिर एरिया पूछता है, तो ए स्क्वायर साइन थीटा इसका एरिया होगा। और एक बात जो मैंने हमेशा सारे क्वाड्रेटल में आपको बताई है वो ये है कि एबीसी ट्रायंगल का एरिया, एबीसी ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा बीसीडी ट्रायंगल का एरिया बराबर एसीडी ट्रायंगल का एरिया बराबर एबीडी का, जो कि हाफ ऑफ एबीसीडी होगा, हाफ ऑफ एबीसीडी होगा। अगर हम बात करें ओएबी की या फिर ओबीसी की या ओसीडी की
या ओ ए डी की, तो ये होगा 1/4 ऑफ ए बी सी डी। इतनी बेसिक बेसिक सी बातें थी जो रोमबस में जरूरी थी। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जिस पे सवाल आता ही आता है रोमबस में। एक नोट बना के आप लिख लीजिए, इस सब को मिटा रहे हैं आप, बाद में कॉपी कर लीजिएगा वीडियो देख के। कुछ लोगों का ये डाउट है कि अब सर क्लासेस चला रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे। जब आपको एक बार ये कह दिया जाता है कि ऐसा नहीं होगा, तो आप बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं कि ये तो इसलिए था, ये तो उसलिए था। अरे इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी आज, ये 24वां या 25वां पार्ट है ज्योमेट्री का। ठीक है, आपको लगता है अभी मैं खुद और कोचिंग्स में इंगेज हूँ, कल भी मैंने ये बात कही कि मेरी 12-12 13-13 घंटे क्लासेज हो रही हैं, अपनी क्लासेज अदर्स। अभी मेरे को एक बार जहाँ पे मैं इंगेज हूँ वहाँ से फ्री तो होने दीजिए, मेरे को बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाना ही नहीं है। मेरे घंटों में इतना ग्रीस बचा ही नहीं कि मैं खड़े होकर क्लासेज ले पाऊँ। मैं सिर्फ दो क्लासेज लूँगा, एक सुबह एक शाम को, और बाकी टाइम यूट्यूब पे कंटेंट पे इन सारी चीज़ों पर काम करूँगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काम की बात पे आते हैं। काम की बात है कि भाई अगर ये डायगोनल D1 था पूरा AC, तो मैं AO की बात करूं तो आप बोलेंगे AO बराबर होगा D1/2। ये हो जाएगा भाई D1/2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा D2/2। इतना हो जाएगा। क्या हम OAB ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है? बिल्कुल लगा सकते हैं। OAB ट्रायंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई OA का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमें सारी चीज़ें पता हैं, कहने का मतलब D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 का स्क्वायर बाई 4 बराबर होगा ए स्क्वायर। मतलब कि ये निष्कर्ष निकल के आ गया D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। ये आपने कंठस्थ रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल आता ही आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे सवाल ना आए। चलिए हम इसी पे सवाल से शुरुआत करते हैं। मैं आपको कई सारे सवाल दिखाता हूँ जो पहले भी पेपर में आए हुए हैं, बहुत आसान आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ें, मिटा दें इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे एक एक बात जो कि मैं बहुत आराम से और सना सना बता रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल बहुत बेसिक सा और बहुत आसान सा सवाल। क्या सवाल है पहला सवाल? क्वेश्चन नंबर 1। जितने जरूरी टाइप्स हैं इसको समझने के लिए वो मैं बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। इफ ए रोम्बस हैविंग एंगल ए बराबर 60 डिग्री। एक रोम्बस है जिसका एक कोण ए बराबर 60 डिग्री है, डायगोनल BD बराबर 5 सेंटीमीटर। फाइन, एरिया आपसे पूछ सकता है, आपसे अदर डायगोनल पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी बात आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये कि भाई ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब ये डायगोनल दिया हुआ है 5 और ये एंगल 60। अगर ABCD एक रोम्बस है, इसका मतलब है कि ये साइड आपस में बराबर होगी। अगर ये साइड आपस में बराबर है और ये एंगल 60 है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये भी 60-60 होंगे। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये 60-60 हो गए, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। अगर इस सवाल में मेरे से सिर्फ साइड पूछा जाता तो मेरा जवाब होता 5। इसके बाद अगर मेरे से एरिया पूछा जाता तो मैं बोलता यार एक तरीका है A स्क्वायर यानी कि 25 और sin 60 यानी कि √3/2, इसका एरिया हो जाता। अब मेरे पे दूसरे डायगोनल निकालने के दो तरीके थे, क्या क्या? कि एक तो मैं यहीं से निकाल देता दूसरा डायगोनल, भाई 25 √3/2 है और एरिया ½ D1 D2 होता है, ये 5 और ये D2, तो D2 कितना आ जाता? 5√3 आ जाता। एक ये तरीका था। आप चाहते हैं कि भाई एरिया मेरे से नहीं पूछा गया था, मैं डायरेक्ट डायगोनल निकालना चाहता था, तो आप समझिए कि अगर मैं डायरेक्ट डायगोनल निकालना चाहूँ तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब है कि जो AO है वो हाइट है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो √3/2 A होती है, ये होती है। अगर मुझे पूरा डायगोनल चाहिए AC, तो मैं बोलूँगा ट्वाइस ऑफ AO, तब भी ये कितना आ जाएगा? 5√3 आ जाएगा। एक ये भी तरीका था AC निकालने का। या हम ऐसा भी कर सकते थे कि भाई हमें D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर पता होता है,
ए कितना है 5, 5×25 = 100 हो जाता, और ये कितना है 25, तो ये बचता कितना 75 बच जाता, यानी डी टू कितना आ जाता 5√3। इस तरीके से भी हम डायगोनल निकाल सकते थे। तो आपको ये याद ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर ये 60 है और ये डायगोनल ए है तो ये √3 होता है। कभी इसकी आगे ज़रूरत पड़ सकती है। हम आगे और सवाल पे पढ़ रहे हैं, दो हम एक जैसे सवाल करेंगे। एक सवाल जिसमें 2013 मेंस में आया हुआ है, इसे मिटा दें, आगे बढ़ें। ठीक है, जितने भी लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं उन्हें लगता है कि हम ये किया है वो किया है, मेरा दावा और चैलेंज दोनों है आपको कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा कर पाएंगे कि मैं आपकी बातों में आके ऐसा करना छोड़ दूँ या मुझे गुस्सा आ रही है। मैं 2-3 बातें बहुत चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे हर्ट कर सकती है, मुझे नाराज कर सकती है। कभी ऐसा नहीं होगा, आप पूरा प्रयास कर लीजिए। जितने भी मेरे दुश्मन, मेरे लोग जो जलते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैं आपके हर इन किए हुए वादे जो आप कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर नहीं आऊँगा, इन सबको मैं गलत साबित करूँगा और मैं आपको अपना बनाऊँगा। ये मेरा दावा है और आपको चैलेंज है कि आप मुझे नाराज नहीं कर सकते। आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे गुस्सा दिला सकती है, ठीक है? आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है कि भाई इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर, इफ वन डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर फाइन, अदर डायगोनल एंड एरिया। इतनी सी बात पूछ रहा है, ठीक है? सवाल में दिया हुआ भाई पेरीमीटर दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, आधा डायगोनल पूछा। बहुत आसान सी बात है, बस मुझे कैलकुलेशन सिखानी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है 4a, और 4a अगर 150 है तो 2a कितना होगा 75। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे a निकालने की कोशिश करते हैं 37.5। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो d1² + d2² है वो 4a² है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2a² d1 कितना है 25² प्लस d2² अब 2a कितना है 75² इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? जब ये इधर जाएगा तो मैं a² - b² लगा सकता हूँ। कैसे? एक बार तो 75 में 25 ऐड हो जाएगा, एक बार 75 से 25 घट जाएगा। कहने का मतलब कि ये 100 × 50 होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ d2 बराबर होगा 10√50। ये आ जाएगा भाई, या मैंने कुछ गलती की? ये 25 दिया हुआ था सवाल में और ये 75 दिया हुआ था। 75 में एक बार 25 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 25 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, दूसरा डायगोनल आ गया। अगर वो मुझसे एरिया की डिमांड कर रहा है तो मैं जानता हूँ भाई एरिया बराबर होता है हाफ d1 d2, तो हाफ d1 d2 कितना होगा, हाफ इंटू एक डायगोनल 25 था इंटू 10√50, तो ये आ गया 125√50। एक भाई साहब की डिमांड थी कि आप अलग अलग पेंसिल लिखा करिए, ब्लू ग्रीन, तो मैंने ब्लू अरेंज कर लिए, आपकी सारी डिमांड पूरी की जाएंगी। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं फेसबुक के मैसेजेज पढ़ना, कमेंट्स रिप्लाई करना, चलते चलते मैं ये काम करता हूँ, रोड क्रॉस करते करते मैं ये काम करता हूँ, आपके मैसेजेज रिप्लाई कर दिए, उसके बाद तो इतना अप्रिशिएशन बनता है। आपके कमेंट्स तक मैं यूट्यूब के पढ़ता हूँ, जो लोग मुझे डायरेक्ट @ लिख के कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर ये जेन्युइन बात है तो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को, और कई बार अगर मेरी गलती होती है तो मैं खुद एक्सेप्ट करके सॉरी फील करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि शिकायतें, तो ये खत्म होंगी। कैसे अशुभ चिंतक को शुभ चिंतक बनाया जाता है, ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल हम वो करते हैं जो 2013 मेंस में SSC ने पूछा। सवाल क्या था? ये कई तरीके से सवाल आ सकता है, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे कैसे आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 2m या खाली m, डायगोनल का जो सम है वो m दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर इज 2p, एंड पेरीमीटर इज 2p, फाइंड एरिया। जैसे एरिया पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि भाई एरिया हाफ d1 d2 होता है, मतलब कि अब मुझे d1 d2 की ज़रूरत
पड़ेगी, समझ में आ जानी चाहिए बात। क्या क्या दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ है कि जो 4a है वो 2p है, यानी कि जो 2a है वो p है, और एक बात दे रखी है d1 प्लस d2 बराबर m। मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंसेप्ट पे जो मैंने बताया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, हर साल मेंस में सवाल आता है, इस बार भी आएगा, तो आप इसको ध्यान रखें, जैसे आपको पता होगी आती होगी। अब मुझे d1 d2 चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि यार अगर मुझे a प्लस b दिया हुआ है और मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बराबर होता है 2a का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वन डी टू बराबर एम स्क्वायर। अब ये कितना दिया हुआ है सवाल में, पी स्क्वायर उधर चला जाएगा, और फोर से अगर भाग कर दें तो हाफ डी वन डी टू आ जाएगा, फोर से डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। कल को ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, बता देता हूँ ये आपने कॉपी कर लिया हो, कल को ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है कि भाई रोम्बस उन्होंने दे दिया सेक थीटा और 2p की जगह उन्होंने दे दिया 2tan थीटा, तो आप देखेंगे 2tan थीटा का मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 2tan थीटा था, टेन थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक थीटा, और जब स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली बन जाएगा 1 बाई 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है और आंसर आ जाएगा 1 बाई 4। तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो घबराना नहीं है, सेक और टेन में भी सवाल इस पे बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। 2014 में भी एक सवाल आया, क्या सवाल था वो, क्वेश्चन नंबर 4, पीछे वाला 2013 मेंस का था, क्या सवाल है कि इफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:7:2:7, ये दिया हुआ था, then quadrilateral will be, क्या होगा quadrilateral होगा, जैसे ऑप्शन लिख लेते हैं, पैरेललोग्राम, ये मैं पैरेललोग्राम का साइन बना रहा हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप बहुत ध्यान से एक चीज देखेंगे कि यार ये 2727 है, यानी कि पूरा कितना है 18, और 18 की वैल्यू 360 है, एक की कितनी हो गई, या एक की निकालने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ लीजिए कि भाई 2 से गुणा करके एक जीरो चुपकाइए, इसको 2 से करेंगे 40, इसको 2 से करेंगे 140, ये 40 और ये 140, चार एंगल आ गए। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं है भाई, सारे बराबर होते तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो होने से रहा, बात आके फंसती है पैरेललोग्राम और रोम्बस में। आपको याद होगा मैंने दोनों में ही एक बात लिखाई है कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल या एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, इसका मतलब है देखो 40 और 140 180, सारे 180, तो अब दोनों हो सकते हैं, या तो भी पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अगर हम रोम्बस की बात करें तो आप बोलेंगे कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, तो दोनों में से अगर मुझे बेस्ट ऑप्शन लगाना होगा तो मैं पैरेललोग्राम लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगल का सम 180 होने से साइड्स इक्वल हो जाएंगे, गारंटी नहीं है, ये रोम्बस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कैसे, अब आप देख लो, खुद ही मैंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी और मैं एक 40 का एंगल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं 140 का एंगल बना देता हूँ। अगर मैं 40 और 140 का बनाता हूँ, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे, नहीं पैरेलल हो जाएंगे, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया पैरेललोग्राम। तो रोम्बस की गारंटी नहीं थी, रोम्बस हो भी सकता है नहीं, कई लोगों को लगता है कि यार मैं ऐसे मिलाऊंगा इसको डायगोनल को तो ये 70 होगा, ये 20 होगा, ये 90 हो जाएगा। देखो ये कौन कह रहा है कि भाई ये बाइसेक्ट करेगा ही करेगा इसको डायगोनल, जरूरी नहीं है करे, तो रोम्बस जरूरी नहीं है कि ये हो
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब पैरेललोग्राम लगाएंगे, क्योंकि आप खुद ही बताओ अगर इस सर्किल के अंदर कोई चीज़ है और फिर इसके अंदर है, अब हमें पता नहीं है, ये पता है कि इसके अंदर है, ये नहीं पता यहाँ हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो हम बड़ा वाला देंगे कि भाई ए में है वो चीज़। अब यहाँ पे हो भी सकते नहीं भी हो सकते कह नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। एक सवाल करते हैं, एक सवाल लिख लीजिए आप, मिटा देते हैं इसको। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए लाइन पासिंग थ्रू सी, ए लाइन पासिंग थ्रू सी कट एक्सटेंडेड लाइन, कट एक्सटेंडेड लाइन AD and AB at P and Q respectively if DP बराबर वन थर्ड ऑफ AB। आपसे पूछ रहे AB और BQ का रेशियो क्या हो? दो तीन तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको इस सवाल को समझाता हूँ कि सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल ये बोल रहा है कि भाई ए बी सी डी एक रोम्बस है, दिख रहा है यहाँ पे सब बच्चों को, देख पा रहे ए बी सी डी एक रोम्बस है। इसने बोला कि एक लाइन सी से गुजर रही है जो ए डी को और ए बी को पी और क्यू पे काटती है, ये लाइन ऐसे गुजर रही है भाई, जो ए बी को कहाँ पे काटती है क्यू पे, और एडी को कहाँ पे काटती है ऐसे बोला हुआ, ठीक है। और ये दिया हुआ है सवाल में कि डी पी वन थर्ड ऑफ ए बी है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये तीन है तो ये एक है। आप इतना भी समझते हो कि ये तीन है तो ये भी तीन होगा, ये भी तीन होगा। अब दो तरीके थे हमारे पास कैसे, कि या तो मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ले लूँ और इनको सिमिलर कर दूँ, सिमिलर ये हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, एक तो ये तरीका था। तो इस तरीके से देख लेते हैं, पहले मैं किस किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, मैं लिख देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पी डी सी ट्रायंगल और बोल रहा हूँ कि पी ए क्यू ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो आप देख पा रहे हैं कि भाई पी डी अपॉन पी ए का जो रेशियो है वो 1:4 का है, कैसे, क्योंकि ये एक है और पूरी चार होगी, तो सी डी और ए क्यू का भी 1:4 का होगा। आप देख रहे हैं कि सी डी कितना है, तीन है, तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ये पूरी 12 है जो हमने निकाल दी, तो ये तीन है बची कितनी, 9। तो जो हमसे सवाल में पूछा है 3 और 9, यानी कि 1:3 उत्तर आ जाए। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था इस सवाल को करने का, कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कर दूं सिमिलर, जैसे इसको और इस ट्रायंगल को, तो आप क्या पाएंगे कि अगर ये तीन है तो पूरी कितनी है, ये 4, मानते हैं नहीं, तो अगर ये 3 है तो ये पूरी कितनी होगी, 4, तो बचेगी कितनी, 1, यानी ये 1 और ये 3, तो भी 1:3 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखेंगे वीडियो। आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं रोम्बस पे, मिटा देते हैं इसको। अभी क्या है कि मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, अभी आगे वाले टाइम में जब हमारा मेंस खत्म हो जाएगा तो हम फिर से एक ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, फिर हम और बेसिक से पढ़ेंगे और ज़्यादा एग्जांपल करेंगे। अभी हम रोम्बस की क्लास अगर 25-30 मिनट की ले रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिए कि इतने ही क्वेश्चन है, इतना ही कंटेंट है, अभी ये और बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, पर्याप्त है। अभी आपको बेसिक से नहीं पता कि क्या होता है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, फिर हम और नए नए सवाल खोज के जो कभी पेपर में नहीं आए आगे आने वाले समय में आ सकते हैं उनको करेंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैंने एक बार पढ़ा दिया तो खत्म हो गया, हजारों वीडियो आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जब सारा मेंस खत्म हो जाएगा तब फिर मैं कॉमेडी के फील्ड में उतरूंगा, मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और लोगों को एक नई जिंदगी देना, एक दिशा देना, जिन लोग दिल टूट जाने की वजह से आहत हैं वो कैसे अपनी जिंदगी को शुरू करें, कैसे आगे जिए, ये सब ज्ञान मैं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, सवाल नंबर 7। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस
ए बी इज प्रोड्यूस्ड, ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू एफ एंड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू ई सच दैट, अच्छा सवाल है बहुत, सच दैट ए बी बराबर ए ई बराबर एफ बी। तब आपसे पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या पूछ रहे हैं, चित्र बना लेते हैं पहले। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी इज प्रोड्यूस टू एफ, ए बी को हमने एफ तक प्रोड्यूस किया है और बी ए को हमने प्रोड्यूस किया है ई तक, बिल्कुल। अब हमने इसको मिला दिया, मान लेते हैं ये ऊपर काटता है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल ई ओ एफ, या तो ये पूछ सकता है, मैं आंसर बता देता हूँ, 90 डिग्री होगा, या आपसे ये कह सकता है कि ई डी परपेंडिकुलर होगी सी एफ डी। बात है कि कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे, एक मैथमेटिकली और एक हम ग्राफ से समझेंगे ग्राफिकली, ठीक है। मैथमेटिकली क्या है, इसने दिया हुआ है कि भाई ए बी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए ई बराबर बी एफ, ये दिया हुआ है, ये इसके भी बराबर होगी क्योंकि रोम्बस है, सब कुछ बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, सबसे अच्छा तरीका है, ये टू अल्फा हो जाएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये एंगल बीटा है और ये इसके बराबर है तो ये भी बीटा होगा, ये टू बीटा हो जाएगा। आपने अभी पढ़ा कि भाई रोम्बस में किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 180 डिग्री है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर ये अल्फा है, अब पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ ई एफ, ओ ई एफ की बात कर रहे हैं, अगर इसमें अल्फा प्लस बीटा 90 है, दो एंगल का सम 90 है, तो एंगल ई ओ एफ क्या होगा, 90 डिग्री होगा भाई, 180 में से घटा देंगे अल्फा प्लस बीटा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अब अगर हमें ये अल्फा बीटा करके ना करना हो, हमें ग्राफिकली इस सवाल को करना हो, तब कैसे करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। डायगोनल मिला देते हैं भाई, एक बात मुझे बहुत छोटी सी बताइए कि ये जो लाइन है, ये कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये, ये आपस में पैरेलल है या नहीं, अब आप कहेंगे पता नहीं चल रहा, पता कैसे चलेगा, मैंने बताया था पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनकी हर सिरे पे दूरी बराबर हो। ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये डिस्टेंस कितनी है ए, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा भाई, होगा या नहीं होगा। अब हम इन दोनों लाइन की बात करते हैं, एक इसकी और एक इसकी, तो आप बोलेंगे जी ये दूरी ए है और ये दूरी भी ए है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन इसको काट रही है और ये 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90। ग्राफिकली भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। रोम्बस में यही सारी बातें जो आपको आनी चाहिए, इतना ही पार्ट है रोम्बस का, आप इसको दोबारा दोबारा पढ़िए, इन कॉन्सेप्ट्स को लगाइए, स्ट्रॉन्ग करिए, पैरेललोग्राम से जोड़ के देखिए सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तैयारी करते रहिए, आप भरोसा रखिए, बस बात बात पे परेशान मत होइए। मैं एकदम वैसा इंसान नहीं हूँ, अगर मुझे, मैंने पहले भी आपको कहा और अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने तो ये सोच ही लिया कि मेरा सब कुछ चला जाए तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ और भगवान फिर भी देता है, जितना हम बांटते हैं ज्ञान ये सारी चीज़ें तो बहुत मिलती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कोचिंग चलाने का पार्ट, हर चीज़ जरूरी है, मुझे लगता है तो जरूरी है। अब सारे डिसीजन आप कहेंगे कि ऐसा करिए वैसा करिए तो भी तो काम नहीं चलेगा, जो यहाँ पे बच्चे रह रहे हैं वो मेरे साथ इंटरेक्शन चाहते हैं, मेरे से फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों की बात होती है भाई, उनको पैसे का उतना इशू नहीं है, वो फी पे कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे उनको हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। आगे भी ऐसा होगा कि मैं जब क्लासेज बंद कर दूंगा तो मैं यूट्यूब पे आके ये बोलूंगा कि भाई मेरे को आप पैसा डोनेट करिए, जिन लोगों के पास है, कोई कंपल्सन नहीं है, तो जिनके पास नहीं है उनको इसी से फायदा पहुंचेगा। आज भी तो मैं कोचिंग चला रहा हूं तो जो बच्चे मुझे फी पे कर रहे हैं उसी की बदौलत तो मैं ये सारा सेटअप कर पा रहा हूं या इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूं। कितने सारे बच्चे आके मुझे कहते हैं सर मैं फी पे नहीं कर सकता लेकिन पढ़ना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूं ठीक है आप पढ़ो और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं,
तो जो कर रहे हैं उनका फायदा दूसरे लोगों को ही पहुंच रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कुछ भी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन गोइंग ऑन, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा चलेगा ये मैं कामना करता हूँ, आप भी बहुत खुशी रहें और ये संसार बहुत खूबसूरत हो। चलिए इसी बात के साथ मैं विराम लेता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।